पुरानी पेंशन योजना की बहाली और न्यूनतम वेतन लागू करने सहित अन्य चार मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार किया और रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय पर धरना दिया। हड़ताल में राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नंदलाल, अशोक पांडे, मनोज गौड़, ब्रजेश यादव, नवमी लाल, अरविंद सिंह, प्रवीण गुप्ता सहित भारी संख्या में राज्यकर्मी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय मंत्री श्याम सुंदर चौधरी ने कहा, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आज पूरे राष्ट्र में लगभग 10 ट्रेड यूनियनों ने सबसे बड़ी जो हमारी मांग है जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने के लिए है, चार सूत्री मांगें मुख्य हैं, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए और आउटसोर्सिंग तथा संविदा पर रखे गए कर्मचारी हैं उनको बहाल किया जाए और तीसरा जब तक बहाल नहीं किया जाता है उनकी जो सेवाएं बहाल नहीं की जाती उन्हें नियमित नहीं किया जाता तब तक न्यूनतम 18,000 उनको मानदेय दिया जाए और 18,000 से नीचे कोई डिमांड हमारी पूरी नहीं करता है तो हम हड़ताल पर जाएंगे। आज राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय 8 और 9 जनवरी को राष्ट्रव्यापी कार्य बहिष्कार है। पूरे देश में बीमा, बैंक और केंद्र के सारे कार्यालय बंद हैं और इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के अधीन जो भी कार्यालय हैं सारे कार्यालयों को बंद रखा गया है। खास करके गोरखपुर के सारे कार्यालय आज बंद करके आयकर भवन में सभी साथी इकट्ठा हैं और हम ताकत दिखाएंगे अपने प्रदेश और केंद्र की सरकार को कि आने वाले 2-3 महीनों में जब तक चुनाव है उसके पहले अगर सबसे बड़ी मांग जो हमारी है जो पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया तो इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन कर्मचारी और मजदूर करने जा रहा है। इसके लिए हम सारे मजदूर और कर्मचारी तैयार हैं। श्याम सुंदर चौधरी, प्रांतीय मंत्री, राज्य कर्मचारी महासंघ।